मौत कब कहां से आ जाए इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। गोहाना के रुखी गांव में 24 साल के युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जुबैर निर्माणाधीन पुल पर वेल्डिंग का काम कर रहा था, तभी तेज करंट लगने से वो कई फीट ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जुबैर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव जडवाड़ा का रहने वाला था और यहां जम्मू कटरा हाईवे पर निर्माणाधीन पुल पर वेल्डिंग कर रहा था। मृतक के परिजनों ने कंपनी और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हादसा हुआ, दुखद घटनाएं बहुत सारी दूसरे प्रदेश के हैं। यहाँ के शासन प्रशासन से जो हमें आशा थी वो हमारी कोई सहयोग किसी प्रकार का नहीं हो पाया। निराश होकर के हरियाणा प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी। क्या हुआ, क्या पता लगा? ये बिजली के करंट से हादसा हुआ है। जहाँ ये काम कर रहा था साइट पे, वहाँ उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा था, जबरदस्ती करके इसको काम के लिए चढ़ा दिया गया और उसमें चपेट में आके बिजली का करंट में खत्म हो गया लड़का। कंपनी से बात की तो क्या कह रहे हैं? कंपनी ने कहा कि जो इंश्योरेंस है उसमें हम जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, बाकी अब देखते हैं आने वाले समय में क्या करती है कंपनी। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने भी मीडिया से दूरी बनाई हुई है। मामले को लेकर पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं जुबैर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।